दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में बंद हैं। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूरे ऐशो आराम के साथ सत्येंद्र जैन जेल में वक्त को काट रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मौजूद हैं। आदेश जी, किन तथ्यों के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी तौर पर उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है? देखिए, ये सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं, उनको पिछले 5-6 महीने से जमानत नहीं मिल रही है। जिस तरह से ईडी ने जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज जेल का जो सबमिट किया कोर्ट में, और ये कहा कि ये गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ विटनेसेस से, की विटनेसेस से मिल रहे हैं, और यही नहीं, जेल मैनुअल को भी तोड़ रहे हैं। उसको तोड़ने के बाद वहाँ उन्हें घर से खाना भी आ रहा है, मसाज भी करा रहे हैं, वो वहाँ मनमानी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी उनको दिए जा रहे हैं। वो सारे वीडियो ईडी ने कोर्ट को दिए हैं, और जिस तरह से आज के समाचार पत्र इस बात से भरे पड़े हैं कि जो एक ऐसे मंत्री जिनकी याददाश्त चली गई हो, वो मंत्री वहाँ पर पूरी रंगरेलियाँ मना रहे हैं, वहाँ पूरे ऐशो आराम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें आज तक जेल मंत्री बनाकर रखा है, और जेल मंत्री के खातिरदारी में जेल अधिकारी तैनात किए हैं। क्या घर का खाना कोई भी कैदी नहीं मंगवा सकता अपने लिए अगर उसकी तबीयत खराब हो? क्या इस तरीका का कोई प्रावधान है? देखिए, जेल मैनुअल जो भी कहता हो, लेकिन कभी कभार का जरूर होता होगा, लेकिन सारी अगर तबीयत खराब है तो वो वहाँ जेल के अंदर भी सादा खाना हो या जो भी खाना है, जो उनके पास जो मेनू रहता होगा उसको वो करते हैं। लेकिन किसी भी रूप में जेल मैनुअल ये नहीं कहता कि आप विटनेसेस से मिलो, गवाहों से मिलो। जेल मैनुअल ये नहीं कहता कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करो। जेल मैनुअल ये नहीं कहता आप को एक्यूज के साथ मिलकर वहाँ पार्टी करो। ये पार्टी करने का और जेल में जेल मैनुअल को तोड़ने का जो इन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है कि तुरंत ऐसे मंत्री को दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहिए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आपने पहले भी आंदोलन किया था, क्या आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है? और अगर जेल शिफ्ट की जैसे आप बात कर रहे हैं तो कहाँ की आप मांग कर रहे हैं, दिल्ली में? अभी तो ये कोर्ट तय करेगा, न्यायालय में मामला है, लेकिन हम जो भी उच्च एजेंसीज हैं उन पर बात करेंगे, एलजी साहब के पास भी ये मुद्दा ले जाएंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो उपराज्यपाल है उनके पास भी इस विषय को लेकर जाया जाएगा। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।